क्या आप लहसुन के छिलके को फेंक देते हैं? तो अगर फेंक देते हैं वीडियो जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो में ऐसे बने रहिए और प्यार देते रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। पहला टिप्स मेरा बहुत ही मजेदार है। तो यहाँ पे मैंने कांच की मग ले आई। आपके घर पे जो भी कांच की ग्लास है वो आप ले सकते। तो यहाँ पे मैंने बर्फ डाल दी। ये गर्मी के मौसम में हम भर भर के बर्फ रखते हैं। और यहाँ पे काला नमक डाल दी। काला नमक बहुत जरूरी है इसमें, और कुछ भी मत डालिए। और थोड़े से यहाँ पे पुदीने के पत्ते तो हम गर्मी में भर भर के रखते हैं। और यहाँ पे थोड़े से चाट मसाला, इसके जगह आप ले सकते हैं जलजीरा पाउडर, वो भी बहुत ही मजेदार होता है। और थोड़ी शहद डाल दी। शहद की जगह आप चीनी ले सकते हैं, लेकिन शहद हेल्दी होता है और टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने टैंग पे एक पैकेट डाल दी। गर्मी में हम अक्सर क्या करते हैं, घर पे रसना टैंग वगैरह पैकेट रखते हैं, और पानी मिला ली। इस पैकेट को क्या करते हैं, हम ऐसे ही पानी में डाल के पी लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जो कि मजेदार लगे, टेस्टी लगे, हेल्दी लगे। जैसे कि हनी है यहाँ पे और पुदीने के पत्ते आपने तो देखा। तो इसको हम अच्छे से बनाते हैं, घर पे पीते हैं। किचन में जब हम काम करने के लिए जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा ये हेल्दी वाला ड्रिंक्स बना लेंगे, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, बच्चों को देंगे, परिवार को देंगे, और हम लोग किचन में काम करना शुरू कर लेंगे। आई होप ये छोटा सा ड्रिंक्स आप लोग को पसंद आए। तो चलिए फिर से, ड्रिंक्स पीने के बाद एनर्जी मिल गई मुझे, तो चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, छोटा सा बोतल, ये बोतल ले आई। बोतल को आप मत फेंकिए, बहुत ही काम में इस्तेमाल होती है। तो इसकी ऊपर ढक्कन के ऊपर से इसको छेद कर रही हूँ, थोड़ा सा गर्म करके स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से एक छेद कर ली और थोड़ा सा होल बना ली। देखिए इस तरह की प्लास्टिक की बोतल बहुत ही काम में होती है। तो इसको मैं पीछे वाले हिस्से से काट रही हूँ। पीछे वाला जो बेस वाला हिस्सा है, हम इसको काट लेते हैं। बेस वाले हिस्से के ही काम है हमें, इस तरह की छोटे वाले बोतल में हमें बहुत ही मदद होती है। तो यहाँ पे मैंने काट ली। देखिए बेस वाला हिस्सा मैंने निकाल ली, और यहाँ पे ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा काट लूंगी। बीच का हिस्सा को मुझे इस्तेमाल नहीं करनी है, तो बीच के हिस्से को मैं साइड करूंगी काट के। यहाँ पे ऊपर का हिस्सा मैंने काट ली। देखिए ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इसको हम जोड़ लेते हैं और छोटा सा बोतल बना लिए। आप चाहे तो इसमें ग्लूगन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बाद में काम है। तो रोटी बनाने के टाइम देखिए इस तरह से आटा इसके अंदर हम लोग डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि रोटी बनाने के टाइम अक्सर ये होता है कि हम आटा बेलने के लिए लेकर जाते हैं, तो उसमें आटे में कभी कभी पानी लगती है, बार बार हाथ लगती है। इसकी वजह से क्या होते है ना, वो आटा अगले दिन हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। इस आटे को हम अक्सर फेंक देते हैं। थोड़ा बहुत आटा तो हमारा बच जाता है डस्टबिन में। तो ऐसा मत कीजिए, इस तरह की बोतल में हम छेद कर लेंगे और यहाँ पे आटा डाल के रोटी जब बेलेंगे, रोटी के ऊपर पाउडर की तरह स्प्रिंकल करेंगे, जैसे कि हमारी आटे की बचत हो गई, आटे बिल्कुल वेस्ट नहीं रहा, और अगले दिन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये खत्म नहीं हो रहा है तब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे आटे की बर्बादी नहीं हुई। बहुत ही सारे आटे हमारे डस्टबिन में जाते हैं रोटी के बाद। तो इस तरह से छोटा सा टिप्स है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी रोटी बनाने के टाइम। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला ये बर्फ के टुकड़े को लेकर है। हमें हमेशा हमारे डिप में बर्फ रखनी चाहिए। बर्फ के काम बहुत ही जगह और जरूरी जगह में होती है। तो यहाँ पे मैंने रीयूजेबल बैग, जो छोटे छोटे होते हैं इस तरह के बैग, ज्वेलरी बैग होती है, हमारे चश्मे की बैग होती है, इस बैग में बर्फ को डाल दी। डालने का मतलब ये है कि बहुत ही जरूरी काम इसमें करनी है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आप लोग के घर पे भी ऐसी मुसीबत आती होगी तो आप इसको जरूर देख लीजिए। तो इस बैग में बर्फ डाल दी और बर्फ वाले बैग को लेकर आ गई मेरे बच्चे के पास। ऐसे हुआ कि वीडियो बनाते समय वो गिर गई और उसको चोट लगी। देखिए तो अक्सर बच्चे जब गिर जाते हैं, चोट लगती है तो बहुत ही दुखता है। तो अगर बच्चे गिरते हैं तो तुरंत उनके जो नी पर बर्फ लगानी चाहिए। ऐसे तो डायरेक्ट बर्फ बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, उसकी ठंडा बहुत होती है, तो बच्चे बहुत ही हर्ट होते हैं और रोते हैं। और पैर में चोट लगती है, इसमें थोड़े रुमाल में थोड़ा लपेट लीजिए कपड़े में, नहीं तो इस तरह के बैग में। ऐसे होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, ब्लड क्लट नहीं होती है, और खून जो बहती है वो भी रुक जाती है। तो नेक्स्ट वाला टिप्स देखिए, यहाँ पे मैं एक परात ले आई, एक प्लेट वगैरह आप बड़े वाले थाली ले आएंगे, और यहाँ पे ले आई। इस प्लेट में हम क्या करेंगे, लहसुन के छिलके को मैं डाल रही हूँ। तो घर पे हम अक्सर लहसुन का काम करते हैं, मसाला वगैरह, तो लहसुन के छिलके को अक्सर हम फेंक देते हैं। इसको फेंकने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिए। इसका काम इतना होता है कि आपकी बहुत बड़ी मुसीबत में लहसुन की छिलका ही आपको बचाता है। तो यहाँ पे देखिए
छिलकों को प्लेट में डाल दी। और ये कोई मसाला वगैरह नहीं मैं बना रही हूँ ये मत सोचिए। तो यहाँ पे मैं गुनगुना वाला पानी, बिल्कुल गर्म नहीं, ज्यादा गर्म नहीं और ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी प्लेट में डाल दी। तो डालने के बाद ये लहसुन के छिलके को 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भिगोने छोड़ दूंगी, ये अच्छे से भीग जाए पानी में और देखिए इसकी औषधीय गुण पानी में चला जाए। और यहाँ पे चले आई बच्चों के पास। बच्चे जब खेलते कूदते हैं, आजकल तो हॉलीडे समर सीजन चल रहा है तो बच्चे बहुत ही खेलते हैं और कूदा मार के खेलते हैं, तो अक्सर क्या होता है जब वो घर पे आते हैं तो उनके पैर में अक्सर चोट लगती है, मोच हो जाती है और उनके जो नर्व्स वगैरह वो भी मुरझा जाती है। तो इससे में क्या करेंगे, बच्चों को ज्यादा तकलीफ ना हो तो खेलने के बाद जब उनकी पैर में चोट लगती है, मोच आती है, ये तरीका हम बहुत ही बढ़िया काम का होता है। तो गुनगुने वाले पानी में उनके पैर को हम डुबो के रखेंगे, 10 मिनट रखेंगे। इससे क्या होता है कि ये लहसुन की छिलके औषधिया का काम करते हैं, मेडिसिन की काम करती है, सारे जो पेन होती है, जो दर्द वगैरह होती है वो खींच लेती है। हो सके तो थोड़ा नमक भी इसमें डाल दीजिए। तो बच्चों को ऐसे ही करने दीजिए और उसके बाद हम मेडिसिन वगैरह लगाएंगे। ना लगाए तो सही बात है, थोड़ा सा सरसों के तेल लगा देंगे तो मालिश कर लेंगे तो जो चोट वगैरह दर्द वगैरह वो चली जाएगी। आई होप आज के छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत ही जरूरी ट्रिक्स आप लोग को पसंद आया, और पसंद आए तो ऐसे चैनल में बने रहिए, आप लोगों की प्यार देते रहिए।